हेलो स्टूडेंट्स, आपकी जो 11 मार्च को एग्ज़ाम है मैथ्स की, इसके लिए इंग्लिश मीडियम के महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं लेकर आ चुका हूँ। इंग्लिश मीडियम वाले जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ में जुड़े हुए हैं उनके लिए महत्वपूर्ण वीडियो ये होने वाला है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज हम फर्स्ट क्वेश्चन से। और सबसे जो फर्स्ट में जो मैं आपको क्वेश्चन बताने वाला हूँ वो क्वेश्चन आपका रहेगा फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, इसके पहले इंग्लिश मीडियम का एक वीडियो और हमने अपलोड कर दिया है, उसको भी आप जाकर देख सकते हैं वीडियो की लिस्ट में। देखिएगा फिल इन द ब्लैंक्स, इफ पी एक्स इज ए क्वाड्रिक पॉलिनोमिनल देन पी एक्स इज कॉल्ड, तो इसमें आपको याद रखना है वो कहलाती है क्वाड्रिक इक्वेशन। क्या कहलाती है? क्वाड्रिक इक्वेशन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मैक्सिमम पावर ऑफ ए वेरिएबल, मतलब मैक्सिमम पावर आपको वेरिएबल अमाउंट इन क्वाड्रिक इक्वेशन इज बताना है, तो इसमें आपको टू रहेगा। मैक्सिमम पावर कितनी रहती है? टू रहती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जो क्वाड्रिक इक्वेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर, तो इसमें आपको जीरो बताना है, जीरो इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, द मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रिक इक्वेशन, तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स बताने हैं क्वाड्रिक इक्वेशन के, तो इसमें टू, टू इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रिक इक्वेशन इज, तो आपको डिस्क्रिमिनेंट बताना है क्वाड्रिक इक्वेशन का, तो इसमें आएगा डी बराबर बी वर्ग माइनस फोर ए सी। ठीक है, डी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, बोथ द रूट्स ऑफ द स्क्वायर इक्वेशन टू एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, तो इसमें आपको इमेजिनरी बताना है, इमेजिनरी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप नोट करके इमेजिनरी बता देंगे। अभी मैं आपको बता रहा हूँ ट्रू एंड फॉल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रू एंड फॉल्स कम्स, देखिएगा स्टेट ट्रू एंड फॉल्स, द ओरिजिनल इज क्वाड्रिक इक्वेशन मस्ट बी, तो इसमें आपको ये फॉल्स बताना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इफ़ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रिक इक्वेशन इज नेगेटिव देन द रूट्स आर रियल, बिल्कुल इसमें आपको फॉल्स बताना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कि द इसेंशियल कंडीशन फॉर द रियल रूट इन द क्वाड्रिक इक्वेशन इज, तो इसमें आपको बताना है ट्रूथ। ठीक है, ये जो है ये सही है, ये क्या है? सही है, इसका मतलब ट्रू आपको इसमें बताना है। इसके बाद में, द प्रिंसिपल ऑफ द फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग द स्क्वायर इक्वेशन वाज श्रीधराचार्य, बिल्कुल इसमें जो स्क्वायर इक्वेशन है उसको फॉर्मूला, उसके लिए फॉर्मूला दिया था, ठीक है, सॉल्व करने के लिए श्रीधराचार्य ने, तो इसमें आपको सही बताना है, ट्रू है। ठीक है, इट इज़ द ट्रू। नेक्स्ट देखिए, अ क्वाड्रिक इक्वेशन कैन हैज़ मैनी सॉल्यूशन, बिल्कुल नॉट, इसमें फॉल्स आपको बताना है। क्या बताना है? फॉल्स बताना है, मैनी सॉल्यूशन उसमें नहीं होते हैं क्वाड्रिक इक्वेशन के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रिक इक्वेशन एक्स एक्स माइनस वन जीरो आर जीरो एंड वन, तो इसमें आपको ट्रू बताना है। क्या बताना है? ट्रू बताना है। नेक्स्ट देखिए, ए एक्स प्लस बी जीरो इज क्वाड्रिक इक्वेशन, नो दिस इज नॉट ए क्वाड्रिक इक्वेशन, तो इसमें फॉल्स आपका आएगा, फॉल्स। नेक्स्ट देखिएगा, द रूट ऑफ क्वाड्रिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, तो इसमें इज इमेजिनरी, इमेजिनरी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अभी आपको याद रखना है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये देखिएगा, अ क्वाड्रिक इक्वेशन कैन हैज टू सॉल्यूशन, तो इसमें आपको बताना है ट्रू। नेक्स्ट देखिएगा, इज एक्स प्लस वन स्क्वायर टू एक्स माइनस थ्री इज क्वाड्रिक इक्वेशन, यस दिस इज क्वाड्रिक इक्वेशन, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर एट। क्वेश्चन नंबर एट आप देखिएगा, यहाँ पर आपको दिया इफ़ द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू ट्राइंगल आर, तो इसमें आपको याद रखना है प्रोपोर्शनल देन ट्राइंगल विल बी सिमिलर, तो इसमें जो बोल्ड किया हुआ है ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, नाइन वाला, टू ट्राइंगल आर सिमिलर, ठीक, तो इसमें आपको टू पॉइंट याद रखने हैं। देखिएगा कौन कौन से, देयर कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक, सेकेंड आपको याद रखना है, देयर कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो इन प्रोपोर्शन, ठीक है, सेम रेशियो और प्रोपोर्शन आपको सेकेंड में भी इसमें याद रखना है, फर्स्ट में क्या याद रखना है, देयर कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक,
और इसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा, साइड ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स, अगर मान लीजिए सिमिलर ट्राइंगल है, ठीक है, कितने, दो, टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो, तो इसमें आपको 4:9, तो एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो, तो इसमें रेशियो आपका बनेगा 16:81 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए IMP क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। और अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फिर हम थर्ड मार्क्स के जो आपके नंबर है वो क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, ABC एंड BDE आर टू इक्विलेटरल ट्राइंगल्स सच इज द डी इज दैट, तो इसमें आपको बताना है मिड पॉइंट BC रेशियो आर एरियाज ऑफ ट्राइंगल ABC एंड BDE, तो ये आपको पूरा जो क्वेश्चन है इसका उत्तर आंसर बता देना है। यहाँ देखिएगा 4:1, ठीक है, और D वाला जो रहेगा इसमें आपको 1:4, ठीक है। इस क्वेश्चन का पूरा उत्तर आपको ऐसे बताना है, यहाँ पर आपको अच्छे से कंप्लीट याद रखना है, ठीक है। देखिएगा यहीं से आपको इसको क्या कर लेना है, एक यहाँ से लेकर के तो यहाँ तक एक याद रख लेना है, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से करेक्टली। अब मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 को आप एज इट इज़ याद कर लेंगे, सारे क्वेश्चन को एज इट इज़ याद कर लेंगे। देखिएगा एरिया ऑफ राइट और राइट ट्राइंगल्स इज इक्वल टू, तो इसमें 1/2 बेस एक्स हाइट्स आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13, इफ़ अ लाइन इज ड्राउन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरेक्ट द अदर्स टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, ठीक है, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, तो वो आपका जो कहलाता है वो कहलाता है बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, ये बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पर जाएंगे, इन ट्राइंगल्स ABCDE BCAD, ठीक है, तो इसका जब हम पूरा उत्तर हल करेंगे, क्वेश्चन को पूरा देखेंगे, तो इसमें आंसर में क्या आएगा, 4 आएगा, 4 इज़ द करेक्ट आंसर। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। देखिएगा राइट द नेम ऑफ राइट एंगल थ्योरम, तो जो राइट एंगल थ्योरम होती है ना, इसका समझना आप सभी, ये पाइथागोरस थ्योरम होती है, जो पाइथागोरस थ्योरम है वो राइट एंगल थ्योरम होती है, ठीक है। राइट एंगल थ्योरम कौन सी थ्योरम होती है, तो आपको बताना है पाइथागोरस जो है वो होती है, ठीक है। अब देखिएगा चैप्टर 7 से मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, और अब आपको समझना है। देखिएगा फर्स्ट द डिस्टेंस फॉर्मूला, तो आपको याद रखना है ये जो फॉर्मूला दिया है, ये सेक्शन फॉर्मूला, तो आपको ये आपको बता देना है, ठीक है। और ये 3 अंक का क्वेश्चन है आपका, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिएगा द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, तो ये आपको एरिया निकालने के लिए इक्वेशन दी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको याद करके ही जाना है, ठीक है। थर्ड वाला देखिए, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, तो इसके लिए आपको ये पूरा यहाँ से यहाँ तक याद करके जाना है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए द डिस्टेंस बिटवीन AB - A - B, तो इसमें आपको ये पूरा याद रखना है, ठीक है, 2A - B, ठीक इस प्रकार से। और इसके बाद 5 क्वेश्चन देखिए, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0, 0 and 36 and 15, तो इसमें 39 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है, ये भी आपको समझना है। और इसके बाद में अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, तो ये जो है इसको आप याद करके जाएंगे। 7 देखिए, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स -5, 7 - 1, 3, ठीक है। और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8, कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन, ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9, द पॉइंट 4 and 0 लाइंस ऑन एक्सिस, तो इसमें आपको एक्स याद रखना है, एक्स एक्सिस। 10 देखिए, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस इज कॉल्ड, तो वो ये जो लिखा हुआ है एब्सिसा कहलाती है वो आपका, ठीक है, ये बोल्ड करके दिया गया है, इसका आप उत्तर याद रख लेंगे, यही आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस इज कॉल्ड, तो ऑर्डिनेट, ठीक है, ऑर्डिनेट इज द करेक्ट आंसर। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट एक्स वाई ऑफ द ओरिजिन, तो x + y आपका ये करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना।
अब मैं आपको बता रहा हूँ ट्रू फॉल्स, कुछ ट्रू फॉल्स उसमें, और उसके बाद में चैप्टर 9 जो 9 है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? देखिएगा, इफ़ द एंगल ऑफ अ पॉइंट इज 0 एंड द एंगल इज 3 देन इट विल लाई एट एक्स, ठीक? अब देखिएगा चैप्टर नंबर 9, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन आपको सेलेक्ट करके और फिर बताना है, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कम्स ऑन योर स्क्रीन। देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, इफ द एल्टीट्यूड ऑफ द सन्स एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री, देन द हाइट ऑफ द टावर दैट कॉस्ट अ शेडो 30 मीटर लॉन्ग इज। तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज ऑब्जर्व्ड इन टू बी 30, फाइंड द हाइट। तो इसमें हाइट आपको बतानी है, ये जो बोल्ड कर रखा है ये वाली हाइट आपकी हो जाएगी, ठीक है? 53, 15 करनी 3 मीटर, ऐसे आपको इसमें याद रखना है। और इसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर आता है थर्ड वाला, द टॉप्स ऑफ टू ट्राइंगल्स 20 मीटर एंड 40 मीटर कनेक्टेड बाई अ वायर, इफ़ द वायर मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री देन द लेंथ ऑफ द वायर इज, तो इसमें 12 मीटर, जब ये सॉल्व करोगे आप पूरा तो 12 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। द एंगल्स ऑफ इलेवन एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर विच इज 30 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, एट अ डिस्टेंस द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो हाइट पूछी है तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर बी पर जाना है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द लेंथ ऑफ द शेडो इक्वल टू हाइट ऑफ द पोल द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, तो इसमें आपको 45 डिग्री करेक्ट आंसर करना है। क्या करना है? 45 डिग्री। अब आपको इस क्वेश्चन को मैं बताऊंगा, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 ना आंसर इन वन वर्ड, वन वर्ड वाले आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में वन वर्ड वाले बताऊंगा, ठीक है? बिल्कुल अच्छे से उसको भी आप याद करेंगे, वन वर्ड वाले को भी। इसके बाद जो आने वाले क्वेश्चन रहेंगे वो आपके वन वर्ड वाले क्वेश्चन आएंगे। देखिएगा, फिल द स्पेस में, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर एट 0.3 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ 3 मीटर हाइट टावर इज, तो इसमें 45 डिग्री इज द करेक्ट आंसर, 45 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। द हाइट ऑफ ए स्ट्राइट पिलर इज 73 मीटर एंड द लेंथ ऑफ इट्स शेडो इज 21 मीटर इज द एलिवेशन ऑफ द सोर्स ऑफ होप द एंगल विल बी 30 डिग्री, 30 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। 10 मीटर फ्रॉम अ सिंगल रोप गोइज टू अ हाई फॉल, दिस रोप मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विथ द ग्राउंड, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई हिम विल बी 20 मीटर, 20 मीटर इज द करेक्ट आंसर। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 60 डिग्री देन द हाइट ऑफ द टावर दैट कास्ट अ शेडो 30 डिग्री, 30 डिग्री मीटर लॉन्ग विल बी, तो इसमें आपको 30 और ये जो ऑप्शन में करनी 3 दिया है ये करना है, ठीक है ना? तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा यहीं से आंसर इन वन वर्ड, आंसर इन वन वर्ड वाले आपको क्वेश्चन बताने वाला हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि सारी अपडेट आपको मिलती रहे। तब तक आप इस वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन याद करिएगा।